जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके सुमाजी गुड़ा में वाके 95 टीवी चैनल के ऑफिस पर प्रॉपर्टी ओनर मसी खान ने जबरन तरीके से ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की और ऑफिस के सारे सामान को नुकसान पहुंचाया है और चैनल का नाम लेकर गाली गलौज की है और होम मिनिस्टर दिगर सियासी लीडर्स से सुखात बताते हुए धमकी भी दी है। इस पर 95 न्यूज चैनल के चेयरमैन ने पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में इसकी एक शिकायत दर्ज कराई है और मीडिया से मुखातिब होते हुए तमाम तफसीलात बताई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भाई स्टार्ट करूं? भाई नमस्ते, मैं 95 न्यूज स्टेट इंचार्ज, मेरा नाम साई है। आज 6 बजे तकरीबन 6 से 6:30 बजे हमारे चेयरमैन को ये बिल्डिंग कैंपस के अपार्टमेंट हमारे इसमें फ्लोर ऊपर कौन सा भी बिल्डिंग है ऊपर पेंट हाउस वो हम रेंट को लिए थे। एक 20 साल से पड़ा हुआ था बाजू का प्लेस, उसको हम लीज को लेके एक 10 लाख खर्चा करके उसको बनाया था। बात एक 3 महीने के बाद कुछ हुई बात, वो ले लो साहब आप ले लो के बाद बना के बाद के बाद हम बात करेंगे बोल के हमारा ओनर उसका कान क्या नाम मसी खान है उसका नाम, हमारे बिल्डिंग का ओनर का नाम। ये एरिया कौन सा है? सोमाजी गुड़ा है, सोमाजी गुड़ा राजभवन रोड पे केत्रीय होटल, नियर बाई केत्रीय होटल है हमारा ऑफिस 95 न्यूज़ है। 6:30 को हमारा चेयरमैन को फ़ोन करके गलीज बाता बोल नहीं सकता मैं, पूरा गलीज बाता करके टाइकू बात कर रहा है ऐसा बोले तो भी उन्होंने नहीं सुन रहा, जाके पूरा ऑफिस को डैमेज करा। वो 95 न्यूज़ चैनल है हमारा, केबल चैनल है हमारा, पूरा एपी तेलंगाना में आता हमारा चैनल, हैथवे में आता, NSCA में आता, SSLC में आता, विकाराबाद पूरा शिवा केबल में आता। क्या है बोले तो बजे क्या है बोले तो ओनर कौन तो भी है 6 महीने से सता रहा, अग्रीमेंट करो बोलते हैं हमारा चेयरमैन साहब पूछा अग्रीमेंट करो मैं पेमेंट कर दूँ। उन्होंने कल रात में अग्रीमेंट भिजा के कल सुबह तक मेरे को पैसे नहीं दिए तो ऑफिस को ताला लगा दो। अरे भाई कैसे लगाते, हमारा पूरा एपी तेलंगाना में चैनल चल रहा, आप कैसे लगा सकते? अभी थोड़ा करेक्शंस है, 2-3 करेक्शंस है, वो करेक्शन करने के बाद मैं पैसे नहीं दे तुम बोल रहा ना मैं आपको पेपर भेजाने के बाद कल पढ़ के वेरीफाई करने का भी नहीं देने के बाद उन्होंने क्या बोल रहा, डिमांड से क्या बोल रहा, अभी तुम पैसे नहीं दिए तो मैं ताला लगा दे तुम। पूरा खर्चा 10 लाख करा के अभी बात किसके लिए हो रही, कुछ भी नया बन गया ना लीज के लिए उसके लिए बात हो रही। उन्होंने ताला किसको लगा तुम बोले, कुछ पेमेंट आज तक डेट 16/7/2023 तक मेंटेनेंस करंट बिल रेंट पूरा पेमेंट है उसको ताला लगा तुम, ऐसा कैसा लगाते साहब? अब बोल के हमारा साहब पूछे बातों में उन्होंने गालियां दिया, हमारा साहब सीरियस हुआ, उन्होंने आईना फोड़ दिया, डैमेज कर दिया ऑफिस का डैमेज करके क्या कर लेते कर लो बोल के उन्होंने बोला। आप लोग कंप्लेंट नहीं किए उस दरमियान? नहीं साहब, हम पद्मराव नगर पे मीटिंग पे है, आज बोनाल है, वो वीडियो निकाल रहे थे, एंकर को कैमरामैन को वीडियो निकाल रहे थे, बुलेटिन बना रहे थे, स्पेशल स्टोरी बना रहे थे, इन्होंने फोन करके गालियां दे रहा ठीक है हमारे 15 मिनट बोलते उन्होंने नहीं सुन के पूरा गालियां दे के फोड़ दिया उन्होंने। आपके पास स्टाफ को भी कोई इंजरी दिया? हमारा स्टाफ को ढकल दिया बाहर से, आप देख सकते हैं हमारा PCR एंड न्यूज रीडर हमारा रत्नाकर एंड हमारा एडिटर साई किरण, आप देख सकते हैं इसमें एक नाइडा तोड़ गया, CCTV फुटेज भी है क्लियर एंड कट पे, इन्होंने आके पूरा तोड़ देता। और बोलिए इसके बाद उन्होंने क्या करा, नीचे हम आए, नीचे आते कि पूरा गालियां गलीज माँ बहन पूरा खानदान को काट रहा हूँ, कॉल रिकॉर्डिंग में ये अग्रीमेंट अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी फरवरी में लीज को ले लिया, अभी मैं काम कराने के लिए 3 से 4 महीने टाइम लगता, मैं पूरा बनाने के बाद लीज अग्रीमेंट कर लेंगे पेमेंट करता हूँ जो के बोले पूरा 8 से 10 लाख पूरा 10 लाख खर्च हुआ, पूरा स्टूडियो बना दिया, मेकअप रूम कर दिया, वेटिंग रूम करा दिया, बोल दिया हम इच्छा नहीं था उन्होंने बोल के करा लिया, अभी पूरा होने के बाद उन्होंने पलट दिया मैं रेंट ले लेता हूँ
मैं रेंट बजा देता हूँ, मेरा घर में आ रहा, मम्मी ना को बोल रहा। काम होने के बाद एग्रीमेंट कराने की बात हो गई थी पर। अग्रीमेंट के बाद भाई अभी पेपर के बात नहीं करे, जबान दिए तो होना है। ऑफिस चल के कितने महीने हुआ? अभी 2 साल हो गए हम कुछ भी ऑफिस हम चला रहे। अभी डैमेज हुआ ऑफिस 2 साल से चला रहे, 2 साल से चला रहे, उसके तो मतलब ही नहीं है। उसका पूरा पेमेंट पूरा क्लियर है, टैक्स पूरा क्लियर है। ऑफिस जो अभी डैमेज जो हुआ बता रहे आप, हाँ ऑफिस में आप ऑलरेडी 2 साल से है, तो एग्रीमेंट उस दरमियान में नहीं हुआ था। वो अभी मसला किसके लिए हुआ बोले तो पुराना ऑफिस के लिए नहीं हुआ, नया ऑफिस के लिए हुआ। अच्छा, नया फ्लैट लिए आप लोग? नया साइट, पूरा कचरा कुंडी था 20 साल से। अच्छा। वो कचरा कुंडी को एक बंगला बना दिया हमारा साहब। वो बनाने के बाद उनको एक इच्छा हो गया क्या कि इसको 12,000 में कहीं को मैं दूं, 25,000-20,000 मेरे को ज्यादा आता बाहर दिए तो मैं अग्रीमेंट नहीं करता बोल के उन्होंने बोला। ऐसा नहीं होता साहब बोल के हमारा साहब पूछे तो ठीक है मैं अग्रीमेंट भिजा रहा हूँ बोले। 3 महीने से रुक के कल भिजाया, भिजाते कि उसके क्या बोलते हैं, कल भिजाया, कल मेरे को रेंट नहीं दिया तो मैं ताला लगा देता हूँ। किसका ताला लगा देता हूँ? पुराना ऑफिस को ताला लगा दो। पुराना ऑफिस को ताला लगाया तो पूरा सिस्टम चल रहा है उसमें, एक परसेंट भी नहीं है उसका इशू। आज तक पूरा क्लियर है, रेंट करंट बिल पूरा मेंटेनेंस के साथ पूरा फिले। हमारा वॉचमैन भी साहब है, हमारा रेड्डी साहब, उनका भी वॉइस ले सकते हैं आप, उसको भी पूरा क्लैरिटी मालूम है। अभी हमारा ऑफिस पर्सन को तो नहीं मालूम है, उन लोगों को टेंशन में बाहर निकाल दिया साहब। हमारा ऑफिस को लाख लगा देता हूँ, नहीं लगा दू मैं सामान उठा के लेके जाता हूँ, पैसे नहीं दे रहे आप साहब बोल के। उन लोगों को नहीं मालूम ना, पूरा ऑफिस स्टाफ को क्या मालूम रहता। मसीकान अभी PS पंजागुट PS में हम कंप्लेंट करे, थोड़ा गाजू बाजू में उनको उन्होंने भी जाके कंप्लेंट करा। पुराना ऑफिस का मंथली रेंट किसको देते थे आपने? उनको ही पूरा चेक पेमेंट है, पूरा मसीकान को भी चेक पेमेंट पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर है, A to Z क्लियर है। अब नए ऑफिस का जो नई प्लेस आप लोग लेके उसको रिनोवेट करे, हाँ ये उसके वास्ते मसला होगा। मसला कहीं को बोलते इनको इच्छा आ गया क्या की इसको 12,000 में कहीं को दी हूँ, 30,000-40,000 एरिया में मेरे को आता। अभी जब ऑफिस हुआ उन्होंने क्या बोला, भाई आप 10,000 दो मेरे को बस है, एडवांस विडवांस भी कुछ भी ना को। खाली बात पे हो गया, पूरा रिकॉर्डिंग से मेरे पास, पूरा रिकॉर्डिंग से ऑन रिकॉर्ड है, पूरा रिनोवेशन करा के हम क्या बोलते स्टूडियो बस नहीं हो रहा हमारे को एक्सचेंज करने के लिए, पूरा पूरा ले लिया, पूरा फ्लोर ले लिया हम लोग। अभी तकरीबन 1800 SFT पूरा हम ले लेके 10 लाख रुपए कच्चा करके उसको बना दिया। बनाने के बाद उन्होंने कैसा बोलता, मेरे को रेंट जा रहा हो ना, मेरा मम्मी नक्को बोल रहा, मेरा डैडी नक्को बोला, मेरे भाई नक्को बोल रहा, ऐसा बोल के बोलते ठीक है साहब मैं 15,000 पूछा, मैं 12,000 देता हूँ बोल के हमारा साहब अग्रीमेंट बात बोल लिया। बात बोलने के बाद 25,000 रुपीज 6 महीने का एडवांस पूछा, 25,000 रुपीज पेमेंट कर दिया और 50,000 रुपीज अग्रीमेंट होने के बाद कर तुम बोल के साहब बोला। साहब बोलने के बाद भी उन्होंने डेली कॉल्स करके अरेस्टमेंट, कब देते कब। अरे अग्रीमेंट तो दे साहब, हम अग्रीमेंट देने के बाद 2 दिन में मैं पेमेंट कर दूं बोल के हमारा साहब बोला। हमारा ओनर आदर्श नगर में रहता, आदर्श नगर में। पुलिस कंप्लेन करने के बाद क्या हुआ? अभी पुलिस कंप्लेन तो दे दिया, उन्होंने कंप्लेन ले लिया। अभी आज बोनाल है बोल के पूरा CI साहब ऐसे साहब पूरा बिजी है, कल सुबह मीटिंग करके बात करेंगे बोल के बोला। आपका डिमांड क्या है अभी? क्या नहीं सब हमारा अभी हम लोग का क्या है, उन्होंने होम मिनिस्टर मालूम मेरे को, राणा दग्गुपाटी मालूम, उन्हें एक कैटरिंग आदाब एक्सप्रेस बोल के एक चला था मेरे को, बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी मालूम, तेरे को क्या कर तुम देख लो बोल के ऐसा धमकिया दे के, ऐसा चुड़ा के, खाली धमकिया देने के बात है उनका। रेंट तो महीने को एक दिन भी ऊपर नीचे होने तक नहीं छोड़ते उन्होंने। कौन उन्होंने चैनल नहीं चलाता, आदाब एक्सप्रेस बोल के कैटरिंग सर्विस है, कैटरिंग बोर्ड है उधर, वो चलाते और उसमें उन्होंने सेलिब्रिटीज को करते, वो सेलिब्रिटीज को यूज करके अदर हमारे जैसे लोगों को धमकी देते, स्टाफ को धमकी दे रहे हैं। प्रॉपर्टी ओनर यही रहते क्या? वो अभी प्रॉपर्टी इसका है, उसका मम्मी का है, नहीं मालूम साहब, रेंट तो उन्होंने लेता। यहाँ पर वॉचमैन कौन थे नीचे? अभी हमारा रेड्डी साहब है, रेड्डी साहब मेंटेनेंस किराया वगैरह सब बराबर सब चेकों के ऊपर देख रहे हैं आप लोग को? इन लोग को तो अभी 1 साल से देख रहे हैं, देखते हैं। आप कितने साल से जॉब कर रहे हैं? मैं यहाँ पे 19 साल से कर रहा हूँ। आप तक कभी प्रॉब्लम हुआ किराए का उसका इसका लोग से? नहीं नहीं हुआ, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ। ओके थैंक यू। इनको लेके वो लेके उनका स्टाफ कभी कितने भी बदतमीजी करा? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, सबसे अच्छा रखा वो लोग, वो लोग रखा हुए कुछ भी नहीं। चैनल वालों से किसी को प्रॉब्लम नहीं? नहीं इनको भी तकलीफ नहीं है, आते अपना काम करते चले जाते,
कुछ भी 95 चैनल के पूरा स्टाफ वगैरह स्टाफ कुछ भी अपने को अब तक कोई बात ही नहीं करे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर मीर जमात जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन बोन फ्रैक्चर जॉइंट रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी कार्डियोलॉजी गायनेकोलॉजी डेंटल जनरल मेडिसिन डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन 2D डिजिटल एक्सरे अल्ट्रासाउंड ऑपरेशन थिएटर ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पिलर नंबर 150 अतापुर हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।